হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই ভালো আছো? আজকে আমি বানিয়েছি তো চিকেন কারি আর ভাত আর স্যালাড। এখানে খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে, নিজে রান্না করি, জানি না কিরকম হয়েছে। মোটামুটি ভালো হয়েছে। খাওয়ার সাথে সাথে চলছে এখানে ক্রাইম পেট্রোল দেখতে গেছে। মজা মজা করে খাও। उसे बात की हुए एक अरसा हो गया। मुझे नहीं, आखिर तक फोन कब किया था? तारीख तो याद नहीं, पर 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा। हम अमजद को 1.5 साल पुराने मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। ये क्या नापसंद आप बोले जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है कि अमजद ने पिछले 1.5 साल में ना आप लोगों को फोन किया और ना आप लोगों से मिलने की कोशिश की। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে লেট হয়ে গেল। হমনে আপসে কে দিয়া না ছোটে বেটে জুনেদ নে অমজদ কি পহলি পত্নী হসিনা সে নিকাহ কিয়া। তো আপ ইয়ে মত কিজিয়েগা কি পিছলে 1 সাল সে আপকে উন দোনো সে না তো বাত হুই না ফোন হুয়া। নাহি হুই বাত। অর আগর ও হমসে মিলনে আয়েঙ্গে তব ভি হম উনকা মুহ নাহি দেখেঙ্গে। মর গয়ে ও হামারে লিয়ে জো হমে জিতে জি মার গয়ে। जमाल जी, अमजद कितने साल पहले सोमापुर छोड़ के मुंबरा के लिए निकला था? इस ईद पर तकरीबन। जो तुझे कोई ऐसे ही नौकरी देने से वहाँ डिग्री की नहीं दम की जरूरत पड़ती है। मैं वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहा। लोगों को नौकरी में रख ले जा बेटा। तुम्हारे एकदम ठीक ठाक से अंदोटा हो जाए। पर एक बार फिर भी सोच, कुछ फैसले एक बार सोच कर ही लिए जाते हैं और ये भी उनमें से एक है। और वैसे एक फैसला मैंने और लिया है। वो क्या? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की जमीन बेच के वो पैसा आप लोग मुझे दे दो ताकि मैं मुंबई जाके उस पैसे से एक वर्कशॉप खोलूं। भाईजान, बहादुरी और बेवकूफी, इसके बीच की लकीरें बहुत पतली होती है। हाथ की लकीरों पर यकीन करने वाले लोग ना तो बहादुरी का नशा कर पाते हैं और ना ही हार के कुछ सीख पाते हैं। भाईजान, ये सब बोलना बहुत आसान होता है, करना नहीं। तेरे गलत छोटे, बोलना भी करना होता है और सोचना भी करना होता है। बस डरना ये जिंदगी में कभी नहीं करना होता। हौसलों से भरा हुआ था हमारा अमजद जब वो यहां से मुंबई गया था। जैसा आप कह रही हैं, हमारा अमजद ऐसा कभी नहीं था। कम से कम आधा दर्जन लोग उस कत्ल के गवाह हैं जो आपके अमजद ने दिन दहाड़े किया था। किसी मुख्तार सिद्दीकी को जानते हैं आप दोनों? अमजद का फोन नंबर दीजिए जिससे वो 1.5 साल पहले आप लोगों से बात करता था। 777-8712-32। मुझे तो डाउट है ये नंबर ऑन भी होगा। The story of two millennials in one big city who weren't looking for love but found it anyway. और आरती, मुझे डाउट है कि अमजद के माँ बाप सच बोल रहे हैं। शरद जी, जी 8 जून 2014 को मुंबई में मर्डर करने के बाद क्या ये अमजद यहाँ आया था? उसके पहले मुंबई जाने में उसकी किसने मदद की थी? कौन था उसका मुंबई में? इन सारे सवालों के जवाब
मुझे उसकी कुंडली के साथ चाहिए। निकाल दे पूरी खबर पिछले 5-6 सालों की। आखिरी मुलाकात
के लिए रवाना हुआ। मैं रह लूंगी ना, कैसी भी हालत में रह लूंगी, बस बस तुम साथ रहो। अरे ऐसी कैसी किसी भी हालत में रख लेंगे तुमको, पागल हो गया तुम? जिम्मेदारी नहीं हो मेरी, प्यार हो और प्यार को फूलों की तरह रखते हैं। बनाया तुमको अपना मकान, फिर ले जाएंगे तुमको महकने के लिए। सुनो ना, ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे बिना ऐसे अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम अकेले कहाँ हो? अम्मी है, अब्बू है, जुनैद है, टाइम यू गुजर जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, और तुम मुंबई में होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आके तुमको ले जाऊंगा। इंतजार करती रही कि वो आएगा और मुझे मुंबई ले जाएगा।